Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Now take out your Pearl's textbook, open your page number 49. Today we will do a new chapter, Go Past Chair. So are you all ready? क्या आप सब ready हो? सब ने अपनी textbook निकाली? So let's start. Word 1. Stairs. Kitchen. Plank. Wheelchair. Veranda. Stairs, जिससे आप first floor to second floor जाते हो या ground floor से first floor पे जाते हो. Kitchen, जहाँ पे आपकी मम्मी आपके लिए tasty फूड बनाती है. प्लैंक एक पीस ऑफ वुडन है. व्हीलचेयर जिसकी हेल्प से आप वन प्लेस टू अनदर जाते हो जिनको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है. वेरेंडा द आउटसाइड एरिया ऑफ अवर हाउस. नाउ टर्न योर पेज एंड लेट्स स्टार्ट. Gopa was a little girl. She had a special chair. Her chair had wheels. It was a wheelchair. Gopa was a little girl. Gopa ek little girl hai. She had a special chair. Uske paas ek special chair hai. Her chair had wheels. Gopa ki chair mein wheels hain. It was a wheelchair. वो एक wheelchair है. Gopa could roll the wheels and move the chair. Gopa अपने wheels को roll करके अपनी chair move करती है. Like this. ये जो बड़े वाले wheels हैं इसको move करके Gopa अपनी wheelchair एक place से दूसरे place पर ले जाती है. She could go from one place to another in her chair. Gopa one place से लेकर दूसरे place पर अपने wheel पर जाती है. She went around the house in it. She could go to the kitchen. She could go to the veranda too. But Gopa could not go into the garden. There were 6 steps. The wheels of Gopa's chair could not go down the steps. She went around the house in it. Gopa अपने हाउस में व्हीलचेयर के थ्रू घूमती थी. She could go to the kitchen. वो व्हीलचेयर पे किचन में जाती थी. She could go to the veranda too. वो व्हीलचेयर पे बैठ के वेरांडा में भी जाती थी. But Gopa could not go into the garden. पर Gopa गार्डन में नहीं जा पाती थी. देयर वेयर 6 स्टेप्स क्योंकि वहाँ पे 6 स्टेप्स थे. 6 लैडर्स 6 सीढ़ियाँ थी. द व्हील्स ऑफ गोपास चेयर कुड नॉट गो डाउन द स्टेप्स. गोपा के चेयर के जो व्हील्स हैं वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते थे. गोपा हैड अ फ्रेंड शीला. They always played inside the house. Gopa was sad that she could not play in the garden. Gopa had a friend Sheila. Gopa ki ek friend thi jiska naam tha Sheila. They always played inside the house. Wo hamesha ghar ke andar khelte the. Gopa was sad that she could not play in the garden. Gopa सैड थी क्योंकि वो गार्डन में नहीं खेल पाती थी. गोपा गार्डन में क्यों नहीं खेल सकती थी? आंसर मी. गोपा क्यों नहीं खेल सकती थी गार्डन में? यस करेक्ट, क्योंकि गोपा के पास व्हील चेयर था. गोपा चल नहीं सकती थी और वेरांडा से प्ले गार्डन में आने के लिए गोपा को
6 सीढ़ीज क्रॉस करनी थी। वन डे शीला गॉट अ लार्ज वुडन प्लैंक। शी पुट इट ओवर द स्टेप्स। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड? वन डे शीला गॉट अ लार्ज वुडन प्लैंक। एक दिन शीला एक लार्ज वुडन प्लैंक लेकर आई। शी पुट इट ओवर द स्टेप्स और उसने वो वुडन प्लैंक सीढ़ी पर रखा लाइक दिस। यहाँ देखो सर, ऐसे सीढ़ी पे वुडन प्लैंक रखा। कैन यू गैस वॉट हैपेंड? क्या आप गैस कर सकते हो क्या हुआ? गोपास मदर स्लोली पुल द व्हील चेयर डाउन द प्लैंक। गोपा वॉज इन द गार्डन। शी वॉज वेरी हैप्पी। नाउ गोपा कुड प्ले विथ हर फ्रेंड्स इन द गार्डन। गोपास मदर स्लोली पुल द व्हील चेयर डाउन द प्लैंक। गोपा की मदर ने धीरे धीरे उसे प्लैंक से नीचे उतारा, गोपा के व्हील चेयर को। गोपा वॉज इन द गार्डन और गोपा गार्डन में आ गई प्लैंक से धीरे धीरे उतर के। शी वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत हैप्पी थी। नाउ गोपा कुड प्ले विथ हर फ्रेंड्स इन द गार्डन। और अब गोपा अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में खेल सकती थी। लाइक दिस यू हैव टू रिवाइज योर चैप्टर फुल्ली। आपको अपना ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। एंड यू हैव टू डू योर वर्क रेगुलरली। आप सबको अपना वर्क रेगुलर करना है। ओके, सो डू योर वर्क। थैंक यू एंड बी सेफ।